दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14x30 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्मॉल हाउस प्लान है 14x30 फीट में। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो मॉडल मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से पिलर वगैरह आप सब देख पा रहे होंगे। ऊपर का अगर आप पोर्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पिलर और जो आपकी स्टील है, सरिया है, वो भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 14x30 फीट में पूरा मॉडल क्रिएट किया है मैंने और बेहतरीन सा मॉडल है, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूँ पवन झांगड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। यदि दोस्तों आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड नए नए मॉडल्स मिलते रहते हैं जो आप देख कर कभी भी बनवा सकते हैं। आज का जो प्लान है 14x30 फीट में, ये देखिए प्रॉपर तरीके से आप देखिएगा फ्रंट एलिवेशन इसका, ये सामने से रोड है और स्टेयर्स है। ये मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे, विंडो वगैरह, और इनका प्लॉट जो है वो साइड में भी ओपन है, साइड में इनकी जगह थी इसलिए मैंने साइड में इस तरह विंडो दोनों दे रही है। अगर आपके पास साइड में जगह नहीं तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे स्टेयर्स का है डिज़ाइन, स्टेयर्स यहाँ से गई है और चारों तरफ देखिए पिलर वगैरह क्रिएट कर रखे हैं मैंने 14x30 फीट में। अगर आप बीच वाले पिलर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो ना भी करें, बीम आपको थोड़ा सा मोटा डालना होगा क्योंकि 14 फीट को ज़्यादा लंबाई नहीं होती है। तो सबसे पहले अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है जो 14x30 फीट का फ्रंट एलिवेशन। ये मैंने आगे देखिए छज्जे में भी बीम जो होता है वो आगे निकाल दी है, ये डिजाइनिंग बना दिया, ये पिलर है और ये विंडो मेन डोर है। जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा हॉल टाइप को देखने को मिलता है, उसी में स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स आप यहाँ से चढ़ेंगे टर्न होकर वापस आ जाएंगे। स्टेयर्स इसका ये हॉल टाइप का है, यहाँ पर अपनी पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, बाइक वगैरह सब पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आप अंदर जाते हैं तो ये आंगन है और इस आंगन के सबसे पीछे आपको एक बेडरूम मिलता है जो कि 12x14 फीट का एक बड़ा सा बेडरूम है। ये आपका लेटरन बाथ है, साइड मैंने क्रिएट कर दिया, ये आपका बेडरूम, ये लेटरन बाथ, ये आंगन है। आगे आपका जो क्रिएट किया पोर्शन मैंने वो आपका एज अ लिविंग हॉल टाइप का क्रिएट है। यहाँ पर किचन आपका नहीं बना हुआ है। अब देखिए 14 फीट का ओवरऑल ये जगह है जिसमें कि अगर आप 6 फीट में भी अपना ये किचन यहाँ पर लेटरन बाथ क्रिएट करते हैं तो आपका लगभग यहाँ पर 8 फीट ही जगह बचता है। तो आपको किचन या तो अपने बेडरूम में एडजस्ट करना पड़ेगा या इस आंगन में एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए यहाँ पर किचन नहीं बन पाया। या आप लेटरन बाथ को इस स्टेयर के नीचे एडजस्ट कर दें और ये वाला अपना किचन बना लें। ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर चाहते हैं। तो पीछे बेडरूम, ये आंगन, ये आपका किचन बोल लिया है, लेटरन बाथ, ये स्टेयर्स और ये लिविंग हॉल टाइप का आगे मिल जाता है। तो ये देखिए चारों तरफ पिलर वगैरह मैंने क्रिएट किए हैं, ये साइड में विंडो, किचन में भी एक विंडो दिया है। अगर आप इसे किचन बनाते इसलिए मैंने यहाँ विंडो दिया था, एक बेडरूम में विंडो और 3 साइड क्लोज्ड है और चारों तरफ से यहाँ पर क्लोज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई फर्स्ट फ्लोर की बात। अगर हम लास्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ पर 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री और 4 फिट के ये पिलर खड़े हैं। इसमें मैंने सरिया भी बांध रखा है जो कि आप देखते होंगे नॉर्मली अगर आप ऊपर जब भी बनाते हैं तो इसी के ऊपर पिलर खड़े हो जाएंगे और आसानी से आपका नीचे वाला ऊपर वाला पोर्शन बन जाएगा। आगे का जो रेलिंग का डिज़ाइन है वो एक नॉर्मल सा रेलिंग है, मैंने कुछ खासा डिज़ाइन नहीं किया है लेकिन बेहतरीन सा लुक आपको देखने को मिलेगा। और ईंटों का यहाँ पर टेक्सचर दिया है, सारे पिलर वगैरह आपके यहाँ पर ऑलरेडी कम्प्लीटेड हैं। तो ये आपका जो 14x30 फीट में मकान बनकर रेडी हुआ है, ये एक रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की, उनके अकॉर्डिंग ये बनाया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पर पूछ सकते हैं। और इसका एस्टीमेट कॉस्ट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर, वहाँ पर एस्टीमेट कॉस्ट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।